नमस्कार दोस्तों, अभी अभी नेटो की ओर से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल नेटो के महासचिव और यूक्रेन के विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन के बीच बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में केवल एक ही मुद्दा बात रहा है, आखिरकार युद्ध होगा तो किस प्रकार रूस को घेरना है, किस प्रकार रूस को हराना है। दोस्तों इस मीटिंग से पूरे दुनिया में खलल मच गई है। बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे रशिया ने ओपनली बोला है कि अमेरिका हमारे शक्ति का परीक्षा ले रहा है, अमेरिका हमारा इम्तिहान ले रहा है, अमेरिका के लिए यह आखिरी वक्त होगा, अमेरिका बार बार काला सागर में अपने युद्ध पोत भेजता है, यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है, इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आप जानते हैं, हाल ही में अमेरिका ने ओपनली कहा था कि हम काला सागर होते हुए यूक्रेन के लिए दो युद्ध पोत भेज रहे हैं जो तुर्की जाने दे। और बड़ी बात तो यह, उसी पे रशिया ने बहुत बड़ा बयान दिया है। और इसी सब के बीच अमेरिका के जो विदेश मंत्री है दोस्तों, उन्होंने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाय द वे, हम तो शांति का अपील करते हैं रशिया से, चाहते हैं युद्ध ना हो, लेकिन रशिया अगर युद्ध चाहता ही है तो ये युद्ध भीषण युद्ध होगा, दुनिया के लिए भयानक युद्ध होगा, ऐसा युद्ध मानव सभ्यता ने तो कभी देखा था न कभी देखेगा। दोस्तों इस तरह का बयान अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी दे चुका है। और बड़ी बात तो यह है, हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, उन्होंने भी दोस्तों ओपनली खासतौर पे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगाया, ओपनली बोला कि आपसे हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये माहौल मत खराब कीजिए, खासतौर पे यूक्रेन के सीमा पे जो भी सेना तैनात किए, जो भी मिसाइल तैनात किए हैं, चाहे कोई भी हथियार हो, तमाम सैनिक को आप पीछे हटाइए, नहीं तो हम समझेंगे ये युद्ध का चैलेंज है। दोस्तों पुतिन ने ओपनली बोला कि हम ना तो किसी के लिए कोई चैलेंज खड़ा कर रहे हैं, लेकिन नेटो और अमेरिका ने हमेशा मुझे सताया है। और बड़ी बात तो यह है, हाल ही में नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को कई सारा खतरनाक हथियार सप्लाई किया है, उसी के जवाब में हम ये कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़। दोस्तों रशिया ने ओपनली बोला था कि हम किसी से डरेंगे नहीं, हम स्वतंत्र हैं। आप जानते हैं हाल ही में खासतौर पे एंजेला मर्केल, जर्मनी के चांसलर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया, बोला कि आप खासतौर पे रशिया से, खासतौर पे यूक्रेन सीमा से सेना हटाए। उस समय रूस के खासतौर पर राष्ट्रपति ओपनली बोला कि आप कौन होते हैं, आखिरकार आप कौन होते हैं, अपने देश में हम कुछ भी करें, चाहे सेना को हम दोहरा दे, चाहे सेना को हम भगा दे, नचा दे, आपका क्या मतलब है, हम कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं। और आप लोग कान खुले सुन लीजिए, खासतौर पे नेटो के मेंबर कान खुले सुन लीजिए, हम कुछ भी करते हैं आप लोग हमें चेतावनी मत दीजिएगा, नहीं तो सबको हम ठोकाई कर देंगे। दोस्तों ये बात ओपनली पुतिन ने खासतौर पे एंजेला मर्केल को कहा था। इन सब के अलावा हाल ही में तुर्की भी दोस्तों पुतिन से बातचीत किया है, बड़ी बात तो यह है, रूस से अपील किया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, सब आखिरकार परेशान है, अब होने क्या वाला है। इस सब के बीच रशिया की ओर से एक बहुत बड़ा बयान गया है दोस्तों, जिसे पूरी दुनिया चौंक गया है। रशिया ने ओपनली बोला है कि हम तो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन पहला गलती अगर यूक्रेन करता है तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा मुसीबत होगा, हम पैर में गोली नहीं मारेंगे, यानी कि हम पैर में गोली नहीं मारेंगे, हम सीधा सर में गोली मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे और यूक्रेन का नाम मिटा देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर जो कर रहे हैं आप लोग शांति से रहे, और हमारे ऊपर पहला हमला का मतलब है, उससे हम सबक सिखाएंगे। दोस्तों ये बात रशिया ने बोला था। आप बोलेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल की बात है दोस्तों, रशिया में पुतिन के खिलाफ वहाँ पे भयंकर प्रदर्शन हो रहा है, पुतिन अपना इमेज बनाना चाहता है, सबको दिखाना चाहता है कि देखो भाई हम मजबूत नेता है, हमने जिस प्रकार से क्रीमिया पर कब्जा किया था, एक बार फिर से जो यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है डॉनबास, उस पर हम कब्जा करेंगे और पूरी तरह से रूस में मिलाएंगे। दोस्तों रूस अपने लोगों को खासतौर पर इस तरह का खासतौर पर दोस्तों एक सपना दिखा रहा है, और रूस को खुश हो रहा है, और पुतिन से धीरे धीरे प्यार करना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है, पुतिन अपना इमेज के लिए और खासतौर पे यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए ये बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और आने वाले समय में दोस्तों अगर यहाँ पर युद्ध छिड़ता है तो समझिए ये तीसरा विश्वयुद्ध का रूप ले लेगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के विदेश मंत्री और नेटो ने कह चुका है कि छोटा सा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे युद्ध होगा तो ये महायुद्ध शुरू हो सकता है।